दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति सागर स्टोरी में। महाभारत के समय की बात है। पांचों पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा की और कलयुग के बारे में विस्तार से पूछा और जानने की इच्छा जाहिर की कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे, उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में गए। युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि किसी हाथी के दो सूर हैं। अर्जुन दूसरी दिशा में गए। उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई है, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। भीम ने तीसरी दिशा में देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया और बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। सहदेव ने चौथी दिशा में देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। पांचवे भाई नकुल ने भी एक अद्भुत आश्चर्य देखा। एक पहाड़ के ऊपर एक बड़ी शिला लुढ़क लुढ़क के आ रही होती है। कितने ही वृक्षों से टकराई, पर उन वृक्षों के तने उसे रोक ना सके। इतनी ही अन्य शिला हो के साथ टकराई, पर वह रुक ना सकी। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। जब वे श्री कृष्ण के पास गए और अपने अलग अलग दृश्यों का वर्णन किया, युधिष्ठिर कहते हैं, मैंने दो सूर वाला हाथी देखा तो मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे और बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, ऐसे लोगों का राज्य होगा। अर्जुन ने आश्चर्य से देखा कि पक्षी पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई हैं और पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यही रहे दिखाएंगे कि वह कौन सा है। मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए, संस्था के व्यक्ति विचार कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध है। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो धन के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुत आय होगी जो दूसरे के धन को हड़पने और छीनने को आतुर होंगे, और कोई न कोई विरला ही संत पुरुष होगा। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहू लुहान हो जाता है। कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा, बालकों के लिए इतना ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता है तो ऐसे रोएंगे जैसे सारी ममता और पारिवारिक मोह माया ही बंद कर दिया जाएगा। सहदेव ने चौथा आश्चर्य यह देखा कि 6-7 भरे कुएं के बीच का कुआं एकदम खाली है। कलयुग में धन के धनाढ्य लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में लाखों खर्च कर देंगे, परंतु यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं, अपने ऐसो आराम और पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। जिनकी रुचि होगी उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, उन पर भगवान का प्रभाव होगा। पांचवा आश्चर्य यह था कि एक बड़ी चट्टान पहाड़ पर से लकड़ी के वृक्षों और तनों और चट्टानों रोक ना पाई, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतन हो जाएगा। वह पतन जीवन धन की शिला से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य के जीवन का पतन होकर रुक जाएगा। बोलो जय श्री कृष्णा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।